जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी 70 में 70 नंबर आएँ तो आप जुड़े रहें और जो मैं पढ़ाता हूं बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहें। ठीक बच्चा, तो आज अपन क्या सीखेंगे, अभ्यास प्रश्न वाली 5.9 जो है जो नई एक्सरसाइज अपन उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। और मैंने आपको क्या दी थी बच्चा, एक डेमो क्लास दी थी तो आपने उसको भी अच्छे से कवर कर लिया होगा। जैसे कि पहले इसके पहले अपन क्या करते हैं, डेमो क्लास देख लेते, तो डेमो क्लास समझ लेते बच्चा कि डेमो क्लास क्या है, तब अपने एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक बच्चा, तो डेमो क्लास की बात कर लेते अपन, डेमो समझ लेते बच्चा इसका। ठीक है, डेमो अपन क्या करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन को मैं आपको दो ही फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपके काम में आएंगे बच्चा। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, आपको दो फॉर्मूले है कि एक ए क्यू प्लस के बी क्यू और एक चलता है ए क्यू माइनस के बी क्यू। तो आपको इन दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक ए क्यू प्लस के बी क्यू और दूसरा क्या है, ए क्यू माइनस के बी क्यू। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस के बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए प्लस के बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। देखो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यू प्लस के बी क्यू का क्या होता है, कोष्ट में ए प्लस के बी फिर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू, तो इसका क्या होता है, ए माइनस के बी क्या होता है, ए माइनस के बी कोष्टक क्या होता है अच्छा, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको ये दो फॉर्मूले ही इस एक्सरसाइज में क्या होंगे, यूज होंगे। और एक आगे वाली इस एक्सरसाइज जो आप पढ़ेंगे 5.9 उसमें इसका पूरा यूज है। अगर ये आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चा, कुछ नहीं है, सिर्फ ए क्यू प्लस के बी क्यू को मतलब है, ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस बी कोष्टक और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। वो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, एक्स क्यू प्लस की आठ, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, जैसे लिखा है एक्स क्यू प्लस की आठ, तो आपको क्या करना है, किसको पहले एक्स क्यू लिखना है और आठ को तुम क्या लिख सकते हो, दो की घात तीन। अब आपको चला गया कि एक्स की घात भी तीन और यानी एक्स की घात भी तीन लिखा और दो की घात भी तीन लिखा, तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला भर रहा है। अब नहीं समझ में आया तो फिर से क्या कर ले, मान लेते, माना क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए और दो बराबर बी। अब बच्चा कह रहा है कि भाई एक्स क्यू बराबर हम नहीं मान सकते, बच्चा एक्स क्यू बराबर तो मान सकते हैं लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। एक्स क्यू बराबर ये मान लो पर वो किसी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैंने सिर्फ ओनली एक्स बराबर माना, किस बराबर माना, एक्स, एक्स बराबर ए माना और दो बराबर क्या माना, बी माना। तो हम इधर क्या लिखें, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू और ये क्या हो जाएगा बी क्यू। जैसे ही ए क्यू और बी क्यू आया तो आपको पता है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक बार प्लस में ए प्लस की बी और लिख सकते ए स्क्वायर, क्या लिख सकते, ए स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं आपने, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, ए का मान कितना माना था, ए बराबर आपने माना था एक्स और बी बराबर कितना माना था, तो मान लिख दिए। अब ए बराबर कितना माना था एक्स, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस, ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है दो प्लस बी स्क्वायर, यानी दो का मान रखेंगे तो दो का वर्ग ऐसे इतना कर दिया आपने, कितना समझ में आएगा। तो अब लिखोगे इसे एक्स प्लस के टू, अब एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनको इन दोनों का गुणा हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का गुणा होगा तो जी कितने हो जाएंगे, माइनस के दो एक्स हो जाएंगे प्लस, अब दो का वर्ग करेंगे तो दो दूनी चार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका अपन क्या निकाल लेंगे बच्चा, आंसर निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये डेमो क्लास समझ में आई होगी। ठीक है बच्चा, और आपकी जो अभ्यास प्रश्नावली है बच्चा, अभ्यास प्रश्नावली 5.8 है, अभ्यास प्रश्नावली कितनी है 5.8 है जिस। ठीक है, तो जो बच्चा अभ्यास प्रश्न 5.8 है वो मैंने पिछली साल जो पढ़ाया था 5.6 में आपको पूरे 5.8 एक्सरसाइज है उसके पूरे सवाल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे बच्चा, पूरे सवाल वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से क्या करें, वहाँ से वीडियो में क्या कर लें, पूरा देख लें, तो आपको 5.8 है पूरी 5.6 में पूरे जैसा बिल्कुल सेम टू सेम सवाल रखें तो आप उधर से देख के पूरी 5.8 को क्या कर सकते हैं बच्चा, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेते हैं, आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप सबसे बता देते हैं, मिलते हैं एक्सरसाइज 5.9 में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।